Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the quick revision of process of education third part. तो देखिए हमने दो parts में already एक एक unit की पूरी तरह से अच्छे से तैयारी कर ली है. अब ये last जो बचा है socialization और LPG दो topics हैं. ठीक है जी, तो socialization पे start करते हैं. सबसे पहले सोशलाइजेशन क्या होती है? तो सोशलाइजेशन देखिए जी, ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम एक दूसरे के साथ बातचीत करके कोई चीज़ सीखते हैं, सोसाइटी में रह के कोई चीज़ सीखते हैं, उसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं. प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ द एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखते हैं. ठीक है जी, सोशलाइजेशन कब से स्टार्ट हो जाती है? इट स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली स्टेज, मतलब हमारी फैमिली से ही. जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है वैसे ही उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इसकी स्टेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दैट हाउ. तो अकॉर्डिंग टू WF ऑगबॉर्न, तो उन्होंने कहा कि जो सोशलाइजेशन है एक ऐसा प्रोसेस है लर्निंग का ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी, कि आप जो सोशलाइजेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या लर्न करते हो, द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स एंड द सोसाइटी, कि सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ये सब चीज़ें आप सीखना स्टार्ट करते हैं, उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं. देन आए अकॉर्डिंग टू ES Brigadas ने बोला इट इज़ अ लर्निंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर, कि सोशलाइजेशन क्या होती है, कि कैसे हमने एक साथ रहना है और एक साथ काम करना है. नाउ कम्स द टाइप ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन दो तरह से होती है, बच्चा सोशलाइज दो तरह से होता है. सबसे पहला तो प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब सबसे पहले बच्चा कहाँ से चीज़ें सीखता है, कहाँ से वो वैल्यू सीखता है, चाहे वो रिलीजियस वैल्यू हो चाहे वो मॉरल वैल्यू हो, बच्चा बिहेवियर मतलब बिहेव कैसे करना है उस बच्चे ने, सारी चीज़ें वो सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है, अपने पेरेंट्स से, अपने अंकल से, अपने आंट से, जो भी उसके घर में होता है. सेकेंडरी तो बाद में देखो स्कूल से सीखता है वो, पीयर्स से, कम्युनिटी से और मीडिया, ये इस सेकेंडरी में आ जाते हैं बाकी चीज़ें. बट प्राइमरी में हमेशा हमारी फैमिली होती है जहाँ से हम सबसे पहले कोई चीज़ सीखते हैं. ठीक है, कहते हैं ना जैसा बच्चा घर से सीख के आता है वैसे ही बिहेव करता है. द थिंग इज़ कि वो प्राइमरी हमारी सोशलाइजेशन एजेंट है जो हमें बताती है कि कैसे हमें बाहर जाके बिहेव करना है. देन कम स्टेजेस. अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है. चार स्टेजेस होते हैं. सबसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज, देन कम्स अनल स्टेज, देन इज ऑडिपल स्टेज एंड देन कम्स द लास्ट एडोलेसेंस. तो देखिए ओरल स्टेज क्या होती है? ओरल स्टेज तब होती है जब बच्चा न्यूली बॉर्न होता है तो उसका कनेक्शन सिर्फ उसकी मम्मा के साथ, और मतलब वो कनेक्शन ना उसके और उसके मम्मा के बीच ही होता है, वो मतलब फैमिली में इतना इन्वॉल्व नहीं होता. अभी तो वो बॉर्न हुआ बेचारा छोटा सा है तो उसको सिर्फ अपनी मम्मी के बारे में पता है, अपने बारे में पता है. ठीक है, उसको फैमिली के किसी मेंबर के बारे में नहीं पता. फिर आती है अनल स्टेज. अनल स्टेज होती है 1 से 3 साल की उम्र तक. ठीक है जी, वहाँ पर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है. देन कम्स ऑडिपल स्टेज. ऑडिपल स्टेज 3 साल से लेके पॉवर्टी तक होती है. इसमें बच्चा क्या होता है, फिर मेंबर बन जाता है फैमिली का. उसको पता लग जाता है कि फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन उसका क्या लगता है, कौन दादा है, कौन दादी है, ये सब चीज़ें. देन कम्स द लास्ट एडोलेसेंस. तो अभी तो पॉवर्टी स्टेज आ गई, तो एडोलेसेंस एज यू ऑल नो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है एक बच्चे की लाइफ में. बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उस टाइम, उनको फ्रीडम चाहिए होती है क्योंकि वो मेच्योर हो चुके होते हैं. जैसे कहते हैं ना कि अभी तो मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूँ, अभी मुझे फ्रीडम चाहिए, फ़ोन लेके दो मुझे, मुझे तो फ़ोन चाहिए क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें. फिर जाके एडोलेसेंस स्टेज में आ जाती है, वो फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है. देन कम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन. तो सोशलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये देखो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एज ऑलरेडी सेड दैट, कि ये स्टार्ट हो जाती है हमारे बर्थ से टिल थ्रू आउट द लाइफ और टिल द डेथ यू कैन से. ये कंट्रोल करती है ह्यूमन बिहेवियर को. जैसे सोसाइटी में आप रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसा आपका बिहेवियर होगा. ये फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी, मतलब फैमिली से भी सीखते हो एज वेल एज बाहर जाके भी, कहीं भी आप जाते हो, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, कम्युनिटी है, सोसाइटी में आप किसके साथ रहते हो, उन सब चीज़ों से क्या है सोशलाइजेशन आप सीखते हो. एजेंट्स कौन कौन से होते हैं सोशलाइजेशन के, मतलब सोशलाइजेशन प्रोसेस तो है बट कहाँ कहाँ से सीखते हो, फैमिली से, स्कूल से, पीयर ग्रुप से और कम्युनिटी से. तो इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फैमिली कैसे आपकी हेल्प करती है सोशलाइजेशन में, आपको क्या सिखाती है फैमिली, आपको स्कूल क्या सिखाता है, ये सब चीज़ें. तो फैमिली से देखिए आप कैसे सीख सकते हैं, आप फैमिली से एथिक्स सीखोगे.
कि कैसे किसी की इज्जत करनी है, कैसे अपने बड़ों के पैर छूने हैं, नमस्ते करनी है कोई घर आए, ये सब चीज़ें क्या अपनी फैमिली से आप सीखते हो। मॉरल वैल्यूज सीखोगे आप, ठीक है, कैसे किसी की रिस्पेक्ट करनी है। पोलाइटनेस बच्चा अपने घर से सीखता है। लव सिंपथी और कोऑपरेशन की कैसे किसी के साथ कोऑपरेट करना है, फैमिली मेम्बर्स खुद कोऑपरेट करेंगे तो बच्चा देख के खुद ब खुद सीख जाएगा। मोटिवेटर की एज अ पेरेंट्स आपको क्या मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को टाइम टू टाइम। फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, तो देखिए घर में अगर आप जात पात का भेदभाव करोगे तो बच्चा भी वही सीखेगा, बाहर जाके वही करेगा, तो इससे बेटर है कि घर में जैसा कहते हैं ना एटमोसफेयर होता है बच्चा फिर वैसे ही सीखता है, तो रिलीजियस एजुकेशन तो उसको वहीं से मिल जाती है पहले, ठीक है। ट्रेडिशंस आइडल और कस्टम्स भी बच्चा घर से सीखता है, हैबिट्स और बिहेवियर्स भी बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है, ठीक है जी। तो स्कूल से क्या सीखा जाता है, स्कूल से देखिए इनको ये पॉइंट्स मत लिखना छोटे छोटे, इसको थोड़ा अपनी लाइन में करके ना मॉडिफाई उसको सही से लिख देना, ठीक है। ऐसा मत कहना कि हमने 8 पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने तो ऐसे ही लिख देना सीधा सीधा, नो, इनकी 4 से 5 लाइनें खुद से बना के लिख लेना जो आपको लगता है इसमें आ सकता है, ठीक है। स्कूल से आप देखिए बच्चे की फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाती हैं बच्चे को, उसकी फिज़िकल डेवलपमेंट सही होगी, वो फिज़िकली फिट होगा तो सोशलाइजेशन एज वेल एज उसकी अच्छी होगी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब उसकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी है वो होती है, इमोशनली डेवलप होता है बच्चा, सोशल डेवलपमेंट तो होती ही होती है, देखो बहुत सारे पीयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं आपकी क्लासरूम में आते हैं, कितने अलग अलग रिलीजन से कास्ट से आते हैं, आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, तो क्या उससे सोशल डेवलपमेंट तो आपकी हो ही जाती है। मॉरल डेवलपमेंट, पोस्ट स्कूल एडजस्टमेंट मतलब स्कूल के बाहर जब आप जाओगे, स्कूल तो आपका जैसे 10th+2 तक आपने पढ़ लिया, उसके बाद जो आपकी लाइफ आएगी उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करता है स्कूल। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड कल्टिवेशन ऑफ द हायर वैल्यूज। देन कम्स अ पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप कैसे हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने में, आपका एटीट्यूड सही करने में, डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहोगे अच्छी एटीट्यूड होगा आपका, वरना फिर वही नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलोगे। पर्सनालिटी बच्चे की डेवलप होती है, नॉलेज शेयर अप होती है एक दूसरे से, आप नॉलेज शेयर करोगे अपने फ्रेंड से, आपको भी नॉलेज होगी उसको भी नॉलेज गेन होगी। आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स की, बच्चा अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज एंड क्वालिटी डिस्कशंस वगैरह होती हैं जिससे बच्चे को नॉलेज गेन होती है। नाउ कम्स कम्युनिटी, तो कम्युनिटी तो हम सबको पता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं सभी रिलीजन के लोग सभी कास्ट के लोग इकट्ठे रहते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो देखिए आप एक साथ रहोगे, जैसे आपने देखा ही होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें हर एक रिलीजन के लोग इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, मिलजुल के रहते हैं, तो वो कैसे हेल्प करता है सोशलाइजेशन में, देखो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाई जाती है कितने अच्छे से एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट दिखाई जाती है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से सिखा चुके हैं, और ये चीज़ें हम बाहर से भी सीखते हैं, जैसी कम्युनिटी होगी हमारी जैसी सोसाइटी होगी हम वहाँ से सीखेंगे अच्छे से। इमोशनली डेवलप होगा बच्चा, रिस्पेक्ट करेगा रिलीजन्स की, रिस्पेक्ट करेगा एल्डर्स की, और सोशल इंटरेक्शन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा सीखेगा कि हमें सोसाइटी में रहना कैसे है। फिर आ जाते हैं द नेक्स्ट पार्ट पे, जो लास्ट यूनिट यूनिट 4th का बी पार्ट है। ए हो गया सोशलाइजेशन, देन कम्स द एलपीजी। एलपीजी वैसे तो हमने मिड फर्स्ट सेम में भी किया था, ये वही है, मैं फिर से एक बार रिपीट करवा रही हूँ आपकी क्विक रिवीजन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एलपीजी का मतलब क्या होता है, एज यू ऑल नो एलपीजी इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, चंद्रशेखर सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लिबरल मतलब फ्री, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सरकार के अंडर वो चीज़ नहीं है, आप फ्री हो, ठीक है, सरकार उस चीज़ को नहीं देख रही है, उसके अंडर कुछ भी नहीं है, वो चीज़ प्राइवेट है, वो होती है लिबरलाइजेशन, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन से फ्री है। देन ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन मतलब आप अपने गुड्स वगैरह अगर एक्सचेंज कराना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवाना है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से कोई, जैसे आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है, घर बैठे आप फॉरेन कंट्री में पढ़ सकते हो, आजकल आईसीटी इतना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप घर बैठे क्या है, जैसे कैनेडा में स्टडी चल रही है तो वो भी आप क्या है स्टडी कर सकते हो अपने घर बैठे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इंडिया में बैठे हो कनाडा में स्टडी चल रही है तो आराम से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, वो होती है ग्लोबलाइजेशन। देन कम प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब मींस वर्किंग बाय बीइंग आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल। बात तो ये भी सही है कि वो क्या है, सिर्फ प्राइवेट
कंपनी है, गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो थी प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव तो एज इट इज़ होगा। तो लिबरलाइजेशन का पहले इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका यही है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है तो ICT डेवलप होगी, एजुकेशन मॉडर्नाइज होगी, एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, मॉडर्न वे में बढ़ रही है, न्यू चीज़ें आप सीखने को मिलती हैं हमें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वैल्यू एडेड एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। नेगेटिव इसका क्या पॉइंट है, फेक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। देखो सरकार के अंडर है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, बट अगर प्राइवेट है तो किसको कंप्लेंट करोगे आप, किसी को नहीं कर सकते। तो फेक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं अगर आप घर बैठे पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉस्टली भी होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते, गवर्नमेंट के अंडर होंगे तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है जॉब्स की। देन कम ग्लोबलाइजेशन, वही पॉजिटिव चीज़ें, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ICT, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी एजुकेशन में, अगर ग्लोबल होगी, ऑलराउंड कंट्री होगी, एक्सचेंज ऑफ कल्चर एक्सचेंज होंगे, प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं दूसरी कंट्री के, अपनी कंट्रीज़ में बैठे हुए, हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग होगी टुवर्ड्स एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सभी को नौकरी मिलेगी, रिसर्च में भी हेल्प हो सकती है आपकी, ज़रूरी नहीं है आपने उतने ही ऑरा में जहाँ आप रहते हो, जैसे इंडिया में रहते हो वहीं पर रिसर्च करनी है, क्यों ना आप बाहर की चीज़ों पर रिसर्च करो, बहुत ज़्यादा आजकल मटीरियल आपको यूट्यूब में मिल जाता है आराम से, और क्वालिटी अच्छी होगी एजुकेशन की। नेगेटिव चीज़ वही चीज़ आ जाती है, मे बी इंस्टीट्यूशन फेक हो, कॉस्टली भी है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वाइडन्स द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देन कम प्राइवेटाइजेशन, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, रिसर्च कर सकते हो और इंस्टीट्यूशन भी बेटर है। नेगेटिव वही चीज़, कोई सिक्योरिटी तो नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है, लो सैलरी है प्राइवेट वालों की तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से, और कॉस्टली भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।